हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं भूगोल के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको ऑनलाइन टेस्ट का नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास रीजनिंग, मैथ, करंट अफेयर की वीडियो के नोटिफिकेशन भी पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। आप टॉपिक स्टडी को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। आज के टेस्ट में 40 पर्सन है, 40 में से आप कितने सही कर पाते हैं वो टेस्ट को लगाने के बाद में एंड में बताइएगा। साथ ही साथ जितने आंसर आपसे आते होंगे वो भी आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 से 6 सेकंड मिलेगी, तो आप आंसर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहाँ पे ए लगा रहे हैं तो वेरी गुड, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया था? वेरी गुड, अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5, उगते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो 5वें का राइट आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सात पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? बिल्कुल सही, 7वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फॉरबिडन सिटी के नाम से कौन सा जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन अभी भी आपका पूछा गया था, बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? 11वें का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर 11वें का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल सही, अगर आप 12वें का ऑप्शन ए लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहां अवस्थित है? थर्टीन का राइट आंसर बिल्कुल सही है, अगर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सही, अगर आप ऑप्शन यहां पे सी लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। 15, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है?
ये भी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहां पे बिल्कुल सही अगर आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? बिल्कुल सही अगर आप 17 का राइट आंसर सी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चक्रवात के केंद्र में होता है? और 18 का राइट आंसर यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोलियम एवं कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? बिल्कुल सही अगर आप 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो बिल्कुल सही है अगर आप ऑप्शन यहां पे डी लगा रहे हैं, तो वेरी गुड, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानचित्र पर वायु दाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 23, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? 23 बताइएगा भाई। क्वेश्चन बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं, 23 का बी। 24, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 24 का राइट आंसर। बिल्कुल सही अगर आप यहां पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो वेरी गुड, राइट आंसर सी हो जाएगा। 25, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा। तो बिल्कुल सही आपका यहां पे 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको पता होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। 27 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है? बिल्कुल सही अगर आप यहाँ पे 27 का राइट आंसर ए लगा रहे हैं, 5.5 घंटे का अंतर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मानक समय आधारित है? ट्वेंटी एट का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 29, भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबाई तट रेखा है? सबसे अधिक लंबी तट रेखा है। 29 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? बिल्कुल सही, अगर आप यहां पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं। ठीक है भाई, 31, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? बिल्कुल सही, यहां पे 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बिल्कुल सही है, यहां पे राइट आंसर 32 का ए हो जाएगा। 33, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 34, दक्कन पास अवस्थित है? बिल्कुल सही, 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? 35 बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल सही, 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है भाई, 36, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं? बिल्कुल सही, 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 37, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? 37 का बताइएगा भाई। बिल्कुल सही, 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 38, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड का विस्तार है? बिल्कुल सही, 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 39, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? बिल्कुल सही, यहां पे ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा, गोडविन, ऑस्ट्री, ये सब इसी के ही नाम है भाई। ठीक है, 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये लास्ट क्वेश्चन है और आपने 41 में से कितने अटेम्प्ट किए हैं प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं सबके कमेंट रीड करने वाला हूं। ठीक है, 41 का राइट आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर लीजिए, आप इसके ये आंसर दे रखे हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से है, मैंने इन पर नंबर नहीं डाले हैं, तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से। और ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, लिंक नीचे दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर लीजिए सर्च करके। ठीक है, और आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं डायरेक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी, बस सर्च करना है आपको सौरभ मलिक, SAURABHMALIK। ठीक है, सौरभ मलिक सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। और जब इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो विदाउट स्पेस, सौरभ मलिक के बीच में स्पेस नहीं देना, और लास्ट में 17K लगा देना है, तो आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट रहता है तो फॉलो करने का फ़ायदा ये रहता है कि आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको टेस्ट पसंद आया होगा तो आपने लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
आपका दिन शुभ हो।